अम्मी, मैं किचन में चाय बनाने गया तो मुझे ये टैबलेट्स मिली है वहां अंदर। क्या है? किचन में? जी ये तो वाकई तश्वीश की बात है कि खाने पीने के सामान के साथ ये टैबलेट्स वहां क्यों दी। वही सोच रहा हूँ मैं। और ये वहां किसने रखी है, क्यों रखी है, मुझे समझ नहीं आ रही। सेवेंस की ये जरूरत नहीं हो सकती है कि ये चीज वहां रखें। एग्जैक्टली वो क्यों आ रखी है? हाँ, मुझे याद आया, ये अनाया के हाथ में मैंने देखी थी एक रात, वो चाय में मिला रही थी। नहीं, लेकिन वो ये क्यों करेगी और ये कब हुआ? रात को चाय पीने की आदत है, तुम्हें सुलाती रहेगी। जस्ट स्लीपिंग टैबलेट्स देती रही। पता नहीं वो क्या कुछ करती रही है तुम्हारी पीठ पीछे। सारा कुछ तुम्हारे सामने, सब कुछ बेनकाब हो चुका है बेटे। ऐसे भूल गई मैं इसको, ये नहीं छोड़ना चाहिए था इसको। सोनी, सुनी उठना नहीं है, 9 बज गए। नाश्ता। बेटा उठी नहीं अभी तक जोना? नहीं माँ, शायद उसने आज ऑफिस नहीं जाना तो फिर मैंने भी नहीं उठाया उसे। चलो भाई, ऑफिस नहीं भी जाना लेकिन कम से कम हमारे साथ बैठ के नाश्ता तो कर लेना। कोई बात नहीं माँ, सोने दे उसको, उठेगी तो आराम से कर लेगी। अनाया, ये जोना मुझे कुछ चुप चुप सी लग रही है, पता नहीं क्या बात हुई है। तुमसे कोई बात की उसने? नहीं माँ, कोई बात तो नहीं की, ऑफिस जाती है ना इसलिए शायद थक जाती है। आप तो नाश्ता करें ना, चाय ठंडी हो जाएगी। ये ना, ये दूँ तोड़ के? बस थोड़ा सा दे दो बेटा। मुनीजे, पीछे से आवाज देकर रोकने की आदत मुझे कुछ खास पसंद नहीं है। अब मेरे पास वक्त कम है, जल्दी कहो क्या बात है। मेरी तो इतना जल्दबाजी में क्यों रहती हो? मार से शादी का फैसला भी तुम जल्दबाजी में ले रही हो। शादी किसी एक के नहीं,
बल्कि दो लोगों की मोहब्बत से चलती है। और मायर तो तुमसे मोहब्बत भी नहीं करता, वो तो सिर्फ मम की जिद में आके तुमसे शादी कर रहा है। सो व्हाट, तुम्हें इस बात से कोई प्रॉब्लम है क्या? मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन तुम्हें जरूर शादी के बाद प्रॉब्लम हो सकती है। ये सोच के मुझे तुम्हारी फिक्र हो रही। रियली? अपनी फिक्र करने के लिए और अपना ख्याल रखने के लिए मैं अकेली ही बहुत। तुम बिला वजह में अपनी एनर्जीज क्यों वेस्ट कर रही हो? मनीजा, तुम सिर्फ अपनी खुशी के बारे में सोच रही हो, ये नहीं देख रही कि मायर कितना हर्ट है। तुम अपने साथ साथ मायर के साथ भी बहुत गलत कर रही हो। रियली? तो अब तुम मुझे बताओगी कि मैं क्या सही कर रही हूँ और क्या गलत? तुम कहाँ जाती हो, क्या करती हो, मुझे सब पता है। कितना अरसा हो गया तुम्हारी और शाजर की शादी को? मेरा भाई बेचारा क्या कुछ नहीं करता तुम्हें खुश करने के लिए, और एक तुम हो कि अपनी ही दुनिया में गुम हो, और शाजर बेचारा सब कुछ देखकर भी खामोश है। क्या देख रहा है वो? वही सब जो तुम कर रही हो। क्या कर रही हूँ मैं? Go on, tell me, what's on your mind? देखो, मेरा मुंह मत खुलवाओ। कुछ बातें पर्दे में रहे ना तो ज्यादा बेहतर है। बताओ मुझे मुनीजा, मैं क्या कर रही हूँ ऐसा? Okay. Only if you insist. तुम्हारे ख्याल में एक शादीशुदा औरत किसी दूसरे मर्द के बारे में सोचे तो क्या ये बात सही है? मुनीजे, How dare you? ये गलती कभी मत करना। अपनी लिमिट्स में रहो, ओके? और वैसे भी तो मेरा स्टेटस बदलने वाला है ना, तुम्हारी भाभी बनने वाली हूँ मैं। So you better respect me. Understand? यहाँ तक आ ही गए हो तो अंदर भी चले चलो। सबीना आंटी की ख्वाहिश थी कि हम दोनों अपने हाथों से डोनेशन दें। नहीं मुनीजा, प्लीज मुझे फोर्स मत करो। तुम आओ, मैं यहाँ वेट करूंगा तुम्हारा। मैं जानती हूँ कि तुम अंदर क्यों नहीं जाना चाह रहे। तुम अनार को फेस नहीं करना चाहते ना? नहीं प्लीज, तुम हो, ऐसी कोई बात नहीं है। वो मैं वेट कर रहा हूँ ना तुम्हारा यहाँ। जैसे तुम्हारी मर्जी। अदनान साहब चाहे किसी भी कंट्री में हो, लेकिन सामाजिक कामों में अपना हिस्सा लेना वो कभी नहीं भूलते। थैंक यू सो मच फॉर डोनेशन। डोनेशन तो सिर्फ एक बहाना थी, मेरे यहाँ आने का मकसद कुछ और है। मैं सशात आपके यहाँ एक लड़की हुआ करती थी, अनाया करीम। मैंने सुना है कि वो फिर से यहाँ आ गई है, ये ठीक है? जी जी, बिल्कुल ठीक सुना है आपने। आप मिलना चाहती हैं? मैं उन्हें यहीं बुलवा लेती हूँ। नहीं नहीं, आप क्यों जहमत करती हैं, मैं खुद देख लेती हूँ। आप बस मुझे बता दें वो कहाँ होती हैं। ठीक है, आप जब ऑफिस से बाहर जाएंगी राइट साइड पर उनकी क्लासरूम है। ठीक है, थैंक यू। क्या हुआ, एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी मेरा आना? अभी तो तुम्हारी जिंदगी में ऐसा बहुत कुछ होना बाकी है जो तुम्हारे लिए अनएक्सपेक्टेड है। तुम्हारा दिल कमजोर तो नहीं है ना? क्योंकि मैं नहीं चाहती कि तुम्हें कुछ भी हो, स्पेशली उस वक्त से पहले जब तक तुम अपनी आंखों से अपनी हार ना देख लो। वो मुझे तुम्हें ये बताना था, मैं और मायर शादी कर रहे हैं, और मैं नहीं चाहती कि तुम्हारी और मेरी पोजीशन उसकी जिंदगी में एक ही हो, और उसके लिए मैं हर कीमत चुकाने को तैयार हूं। आप
खरीदार बनकर आई हो, उन्हीं से तुम अपना सब कुछ भी बेच आना तो मेरी मोहब्बत की कीमत नहीं लगा सकती, और बेकीमत मैं हूं इतना तुम जानती हो। हैरत की बात है, हिमानत में खयानत करकर अब उसकी कीमत अदा करने आई हो। बड़ी अजीब व्यापारी हो तुम, मायर से शादी कर रही हो और इतना भरोसा भी नहीं कि मायर तुम्हारे नहीं होंगे। और से देखो मुझे, सब कुछ तो छीन चुकी हो तुम मेरा, फिर किस बात की इनसिक्योरिटी है तुम्हें मुनी से? तुम ऐसे प्रिटेंड क्यों कर रही हो जैसे तुम्हें इस सब से कोई फर्क नहीं पड़ता? तो तुम यहां ये देखने आई हो कि तुम्हारी इस खबर से मैं कितनी गमगीन होती हूं? तो चलो देखो, ना मैं रो रही हूं, ना मैं तुमसे लड़ रही हूं, ना ही कुछ और। शादी करनी है ना तुम्हें मायर से, बहैसियत पहली बीवी मैं तुम दोनों को निकाह की इजाजत देती हूं। ये मसला भी हल हो गया, उसने अपनी खुशी से हमें इजाजत दे दी है शादी की। रिश्ते टूटने और खोने का फर्क उनको पड़ता है जिनमें एहसास होता है, जिनको रिश्तों की कदर होती है। जिनको अपने मतलब से मतलब होता है उनको क्या फर्क पड़ता है? ये लें आप ही, खोल कर नहीं देखेंगे किसका है, या फिर आपको पहले से ही पता है कि ये किसकी शादी का दावतनामा है? वैसे आप ही, ये है आपके सब्र का नतीजा। आपको नुकसान पहुंचाने वाले आज कितने फायदे में, और आपको दुख देने वाले आज कितना खुश। मुझे तो लगता है कि शायद अभी भी आपकी सब्र की इंतहा खत्म नहीं हुई। भाई मेरी तो जब्त की इंतहा तमाम हो चुकी है। आपको पता है अभी भी आपके पास पूरा कानूनी हक है कि आप मायर भाई को दूसरी शादी करने से रोक। नहीं इजाजत है अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने की, खुश रहने की, मुझे भूल जाने की। सुनिए, जिस रिश्ते में इज्जत ही नहीं तो वहां मोहब्बत को बचाने का कोई फायदा ही नहीं है। वो मेरे नहीं रहे तो मैं उनको किसी और का होने से क्यों रोकूं? चलो, हम में से कोई एक तो खुश रहेगा। रही हक की बात, तो हक तो सिर्फ अपने पे चिपकाया जाना। Thank you.
गए शॉपिंग कर कर? इतनी जल्दी आ गए? हाँ वो मायर बोर हो रहा था इसलिए हम जल्दी वापस आ गए। क्या क्या लिया दिखा? बहुत कुछ, वो अंदर ले गई है, बाद में दिखाती हूँ। चलो कोई बात नहीं, बाद में देख लूंगी। क्या हुआ बेटे? कुछ नहीं, बस थका हूँ, आराम करना चाहता हूँ। ठीक है बेटे। इसे क्या हुआ है? आपको पता है? मैं मायर को आज एनजीओ लेकर गई और वहां उसका सामना अनाया से हुआ, और जब मैंने अनाया को हमारी शादी के बारे में बताया उसका तो रंग ही उड़ गया। उसकी शक्ल देखने वाली थी, बहुत मजा आया मुझे। मुनीजे, तुम्हें मायर को वहां नहीं ले जाना चाहिए था, उसे देखकर उसका जख्म ताजा हो जाता है। तुम उसे तकलीफ देना चाहती थी, लेकिन देखो उसका नतीजा क्या निकला, कितना सैड लग रहा था वो। कोई सैड नहीं लग रहा था, वो अनाया से मजीद बदजन हो गया है। आपको पता है वो दोनों एक दूसरे के बिल्कुल सामने खड़े थे, किसी दुश्मन की तरह। और मुझे ये देखकर बहुत खुशी हुई, आपको भी खुश होना चाहिए। तुम अनाया से बदला लेने के लिए मायर के इमोशन से नहीं खेल सकती हूँ मुनीजे, प्लीज। देखो मैं अनाया को मायर की जिंदगी से निकालना चाहती थी, वो निकल चुकी है, दैट चैप्टर इज क्लोज्ड। प्लीज उसको बंद रखने की कोशिश करो, और कोशिश करो कि दोनों एक दूसरे के सामने ना आए, प्लीज। ओ आंटी, क्या हो गया है आपको? ये वक्त तो दुश्मन की हार को सेलिब्रेट करने का है, कोई सोग मनाने का नहीं। आप बिना वजह में अफसोस कर रही हैं, जस्ट चिल। तुम्हारे बाबा को मायर पे कितना भरोसा था ना, कितने यकीन और मान के साथ उन्होंने तुम्हारा हाथ उसके हाथ में दिया था, मगर उसने तुम्हारी कदर नहीं की। मेरी बच्ची को तकलीफें दी और तुम्हें तकलीफ भी जो मिली तो ऐसे शख्स से जिसे तुम अपनी जिंदगी मान चुकी हो। मैंने कितने दुख दिए हैं माँ आपको, आपने क्या क्या नहीं किया मेरे लिए, रातों को जागना, तहज्जुदों में मेरे लिए दुआएं मांगना, रोना, उस घर में मेरे लिए जाकर मेरी खुशियों की भीख मांगना, और क्या कुछ। एक मैं हूँ बदनसीब जिसने कोई खुशी नहीं दिया। और तुम खुद को इन चीजों का जिम्मेदार मत समझो बेटा। मुझे अपनी बेटी पे बहुत भरोसा है, अरे चाहे किसी और को हो या ना हो, देख लेना जिन लोगों ने मेरी बच्ची को सताया है, दुख दिए हैं, वो भी कभी सुख नहीं पाएंगे। अल्लाह की लाठी बड़ी बेआवाज, वो जरूर इंसाफ करेगा। हेलो। हेलो, कैसे हो? जबरदस्त, ठीक हो? मैं ठीक ठाक। आप दोनों यहाँ बैठ के बातें करें, मैं चाय बना के लाती हूँ। ओके, आप आओ प्लीज। हाँ जी। मुझे यकीन नहीं आ रहा कि मेरे ऑफिस ना आने को आप इतना नोटिस करेंगे। आज तकरीबन 10 बार तो आप मुझे कॉल कर चुके हैं दिन में। अफसोस है कि मेरे 10 बार कॉल करने पे भी तुमने रिप्लाई नहीं किया। ना बात कर रही हूँ, ना ऑफिस आ रही हूँ, ना रिप्लाई किया। प्रॉब्लम क्या है? परेशान हो गया था मैं।
ये सोचकर कि कहीं मैं आपके इनकार से सुसाइड तो नहीं कर बैठी। कुछ नहीं हुआ मुझे। अब तो इत्मीनान में आ गए ना मेरी आवाज सुनकर कि मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ऑफिस ना आने की वजह? ताकि आप सुकून से काम कर सके। मैं तो जब होती हूँ तो मैं तो आपको परेशान करती रहती हूँ ना। ये किसने कहा है तुमसे कि तुम्हारे होने से मैं परेशान हो जाता? मुझे ऐसा महसूस होता है। अब तक तुम्हें मेरे बारे में जो महसूस होता रहा है वो सब गलत है। समझ गई। क्या समझ गई? पहले भी तो तुमने यही कहा था ना कि समझ गई। अब जरा मुझे बताओगी क्या समझी हो इस बार? यही कि मेरी आपसे मोहब्बत करना गलत है। मैं जो आपके लिए फील करती हूँ, मेरे अंदर जो आपके लिए जज्बात है, वो सब गलत है। हाँ गलत है। मेरे नजदीक तो मोहब्बत करना ही गलत है। It's just a waste of time. और कुछ नहीं। पता है क्या? मैंने ऐसी बातें करना किसके मुंह से सुनी है? जो मोहब्बत में नाकाम होते हैं, जैसे कि आप और दूसरी आप ही। मोहब्बत ना इतनी बुरी नहीं होती। अच्छा, ऐसी बातें मैंने भी उन्हीं से सुनी है जो मोहब्बत में कामयाब नहीं हुई। तो इसका मतलब है कि मैं मोहब्बत में कामयाब हो गई हूँ? आपने मुझे फोन किया, मेरा हाल चाल पूछा, मेरी फिक्र की, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपको ना मेरी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। खुदा हाफिज। शाज़र, मैं जानता हूँ उस दिन जो कुछ भी सवेरा मुझसे कह रही थी वो सारी बातें तुमने सुन ली। ये बात सच है कि जो कुछ वो कह रही थी वो भी ऐसे ही है, लेकिन उसके बावजूद एक और सच है, और वो ये है कि जब से सवेरा की तुमसे शादी हुई है उसने मुड़कर अपने माजी को नहीं देखा, और ये बहुत बड़ी बात है उसके लिए और हम सब के लिए। तो प्लीज उस दिन को लेकर जो भी तुम्हारे दिल में कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग है प्लीज उसे भुला दो, सब क्लियर कर दो, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन मैंने तो कोई एक्सप्लेनेशन नहीं मांगी तुमसे। देखो, कोई भी रिश्ता होता है उसकी बुनियाद हमेशा ट्रस्ट पर होती है। अगर एक औरत को ये मालूम चल जाए कि उसका शौहर बदकिरदार है लेकिन उसके बावजूद वो उसके साथ रहती है, उस रिश्ते को बचाने के लिए एक मौका और देती है ताकि घर की बात घर में रह जाए, उसे माफ कर देती है, तो ये उसका जर्फ है। तो फिर ऐसा जर्फ हम मर्दों के अंदर क्यों नहीं होता? मुझे नहीं पता कि मुझ जैसे इंसान को लोग क्या कहेंगे, लेकिन अगर बीवी बुरी हो तो उसके ऐप पे पर्दा डालना चाहिए। और एक शौहर का फर्ज है कि वो उसके ऐप को छुपाए, वरना इस माशरे में अगर औरत के ऐप के बारे में पता चल जाए तो ये माशरा उसे जीने नहीं देती। कम से कम भाई मैं तो ऐसा नहीं करूंगा। सवेरा को जहां जाना है, जिस तरह अपनी जिंदगी जीनी है वो जिए, और मैं इसमें उसका साथ दूंगा। हाँ, अगर उसको मेरे साथ जिंदगी गुजारनी है, वो मेरे साथ रहना चाहती है, तो मैं जिंदगी भर तब भी उसका साथ दूंगा। से टूटने और खोने का फर्क उनको पड़ता है जिनमें एहसास होता है, जिनको रिश्तों की कदर होती है, जिनको अपने मतलब से मतलब होता है, उनको क्या फर्क पड़ता है।
कुछ है सितम कुछ है वफा वक्त की कैसी अदा अब तक इस कार्ड को संभाल कर रखा है, जला क्यों नहीं देती आप इसे? इससे क्या होगा, हकीकत तो नहीं बदल जाएगी ना? अभी मैं आपको ऐसे दुख में नहीं देख सकती। वो लोग आपको आपकी आजमाइश से ज्यादा आजमा रहे हैं। आपको ये बात समझ में क्यों नहीं आती है? उन लोगों के बदलते रवैयों पर आप अपने मुंह से शिकवा तक नहीं करती यार। लेकिन हाँ, रात में छुप छुप के सिसकियों से जरूर रो सकती हैं। बजाहिर ना आप बहुत स्ट्रांग बनने की कोशिश करती हैं, लेकिन अंदर से मुझे मालूम है आप तई टूटती जा रही हैं। प्लीज खुदा के लिए अपने ऊपर थोड़ा सा रहम करिए। ठीक हूँ मैं, जानती हूँ तुम्हें मेरी फिक्र है, पर ये मेरी लड़ाई है, वक्त से, हालात से, खुद के साथ से। मैं नहीं जानती मेरी इसमें हार है जीत है, पर इतना जानती हूँ कि मैं सही हूँ ना, तो किस्मत मेरा साथ जरूर देगी। शाज़िवे, ये तुम क्या कर रहे हो? ये तो सर्वेंट्स के काम है। कुछ नहीं यार, एक्चुअली मैं सारे सर्वेंट बहुत ज़्यादा बिजी थे, तो मैं सोचा ये छोटा सा काम है, मैं खुद कर लूँ, क्या उन पे बर्डन डालूँ। एक्सक्यूज मी, हेलो समीर, यार मैं अभी तुम्हें ही कॉल करने वाला था, क्या बना काम का? दैट्स गुड यार, गुड न्यूज, थैंक यू यार, थैंक यू, थैंक यू सो मच। मुझे ये कहना था कि थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग मायर। तुम्हें पता है अगर इस पूरी दुनिया में मेरे लिए कुछ अच्छा है तो सिर्फ तुम्हारा साथ है। तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कि मैं आज कितना स्पेशल फील कर रही हूँ। अच्छा मुझे ये बताओ कि अभी तुम बिजी हो? नहीं कुछ खास नहीं, बताओ। तो अगर तुम फ्री हो तो फिर हम मिलते हैं, मैंने शादी के कुछ प्लान्स बनाए हैं, मिलेंगे तो वो भी डिस्कस कर लेंगे। हाँ वो मुनीजे प्लीज मायर मना मत करना, तुम इतना नहीं कर सकते मेरे लिए। एक्सक्यूज मी सर, सर एक लड़की आपसे मिलने के लिए आई है, अपना नाम जोना बता रही है। अच्छा उसे अंदर भेज दे। ओके मुनीजे, मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ।
आओ जोना बैठो, कैसी हो? मुझे तो हैरत है कि आपने मुझे अंदर आने कैसे दिया। मैं तो समझी कि आप मुझे धक्के मारकर अपने गार्ड से कहकर इस ऑफिस से निकाल देंगे, जैसे आपने आप ही के साथ किया। प्लीज होना, ये हमारा पर्सनल मैटर है, इसमें तुम इंटरफेयर मत करो। पर्सनल मैटर? भाई शादी दो लोगों के बीच में जरूर होती है, मगर उसे निभाती दो फैमिलीज है। और जब उस रिश्ते में रंजिशें आती है ना, तो सिर्फ दो लोग मुतासर नहीं होते, बल्कि उसके नतीजे दोनों फैमिलीज को भुगतने पड़ते हैं। So please don't say that, that it's your personal matter. आप अनाया आप ही के साथ सही नहीं कर रहे। जब आपको यही सब करना था तो आपने उनकी जिंदगी बिना वजह में बर्बाद क्यों की? लेकिन जब आपको ये पता चलेगा ना कि अनाया आप ही पर लगा एक एक इल्जाम झूठ था, तो आप बहुत पछताएंगे, माफ नहीं कर पाएंगे खुद को। मगर अफसोस उस वक्त आप अनाया आप ही को ही नहीं, बल्कि उन तमाम रिश्तों को अपने से खो देंगे जो आपके सबसे ज्यादा करीब थे। क्या तुम सच नहीं जानते? और बेहतर होगा कि हम इस टॉपिक पे ना बात करें। मायर भाई, सच से ना आपको लाइन रखा जा रहा है। माँ जैसे भी हो, अपने बच्चे को कभी भी नुकसान नहीं पहुंचाती। और आप जितने खसारे में है ना आज, ये सब उनका किया धरा है। बस कर दो सोना, यू क्रॉसिंग योर लिमिट्स। मैं अपनी माँ के खिलाफ एक लफ्ज नहीं सुनूंगा। अच्छा, आपकी मॉम की बहुत इज्जत है, मेरी माँ की कोई इज्जत नहीं ना। इसीलिए तो आपके घर से ना सिर्फ मेरी बहन को बल्कि मेरी माँ को भी जलील करके घर से निकाला गया। पता नहीं गरीब सह क्या जाता है, अमीर तो उसे ह्यूमिलेट करना अपना हक समझने बैठ जाता है। मायर भाई, आपको ना आपकी ये शान और शौकत और अमीरी मुबारक हो। मैं सिर्फ आपसे इतना कहने आई हूं कि प्लीज प्लीज मेरी आप ही को परेशान करने का सिलसिला बंद कर दीजिए।
प्लीज किसी तरीके से मुझे साबित कर दो कि शायद मुझे गलत फहमी हुई। मेरी बात पे यकीन क्यों नहीं कर रहे? आपको मैं कह रही हूँ कि आपकी अम्मी को सब पता था। वो बाहर आपकी अम्मी ने मुझे कहा था वो मुझे आपकी जिंदगी में नहीं रहने देंगे, मुझे आपकी नजरों में गिराएंगे। उन्होंने कर दिया ना, मेरी बात पे क्यों नहीं कर रहे? माँ को उसके बीच में मत ले। बेशरम हो तुम। इतनी जिल्लत और रुसवाई सहने के बावजूद तुमने सबक नहीं सीखा। तुमने तो कहा था कि मायर की दूसरी शादी हो जाए, तुम्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो अब क्या हुआ? जेलस हो रही हो? मायर को कन्विंस करने के लिए कभी अपनी माँ को उसके घर भेज रही हो, कभी अपनी बहन को उसके ऑफिस। बट यू नो वॉट, मुझे नहीं लगता कि वो लोग मायर को कन्विंस कर पाएंगे, क्योंकि जब जिससे रिश्ता था उसको ही दिल से निकाल दिया तो बाकी रिश्ते क्या मानी रखते हैं, है ना?